तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं भारत गैस एजेंसी का जो सिलेंडर है उसे आप बुक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जब भी आप कोई भी सिलेंडर लेने जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर या कोई भैया आपके पास लेके आते हैं तो आपको हमेशा बोलते हैं आप अपने सिलेंडर का आपने बुकिंग करवाया है कि नहीं करवाया है। तो आपको पता होना चाहिए आप अपने मोबाइल फोन से ही अपने सिलेंडर की बुकिंग कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पेमेंट कैसे कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी भी। तो आज की वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना, वीडियो को जरा सा स्किप नहीं करना है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सिलेंडर को बुक कर सकते हैं भारत गैस एजेंसी का। तो वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको बुकिंग करने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों क्या होगा, जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह से डैशबोर्ड आता है आपका, ओपन हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस इस तरह का होगा और आपको जैसे दोस्तों आप प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। और नीचे में दोस्तों आप देख लीजिए स्किप वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, स्किप वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप स्किप करेंगे तो गेट स्टार्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप जब भी आप कंज्यूमर नंबर लेते हैं तो आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना होता है, तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे दोस्तों आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपके यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन एक आ जाता है नीचे में, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, उसमें रिचार्ज होना चाहिए दोस्तों, और आपको व्हाट्सएप और एसएमएस दोनों पे क्लिक कर लेना है। साथ ही दोस्तों नीचे में आपको एग्री वाला जो ऑप्शन दिया टर्म एंड कंडीशन, इस वाले ऑप्शन पे भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको क्रिएट अकाउंट वाला एक ऑप्शन नजर आ जाता है ब्लू कलर का, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको, तो आपको दोस्तों एम पिन आपका रख लेना है अपने इस एप्लीकेशन का। दोस्तों जैसे यूपीआई में आप एम पिन रखते हैं तो उसी तरह से आप गैस जो बुकिंग वाला जो एप्लीकेशन उसमें भी आपको एम पिन एक चूज कर लेना है, चार डिजिट का एम पिन होता है। तो आपको जो भी नंबर फर्स्ट में ऊपर में वही नंबर लिख लेना है, नीचे में भी सेम वही नंबर लिखना है आपको, ठीक है। और जैसे दोस्तों आप दोनों में लिख लेते हैं तो सबमिट वाला ऑप्शन जो आपको आ जाता है, ठीक है, वो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है सबमिट वाला बटन, उस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस तरह से इंटरफेस हो जाता है और आपका जो एम पिन है आपने सक्सेसफुली इसमें आपने ऐड कर दिया है, तो आपको डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, जो एम पिन अभी आपने जस्ट रखा हुआ था तो उसी एम पिन को आपको यहाँ पे फिर से डायल कर देना है। चलिए हमने डायल कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप इस पर डायल कीजिएगा तो जो भी कनेक्शन आपने लिया हुआ है, ठीक है, भारत गैस का लिया हुआ है, तो यहाँ भारत गैस का ये जो देख लीजिए लोगो आपको दिखाई दे रहा है चारों बगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कितना रेट चल रहा है गैस का तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए करंट प्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका प्राइस शो हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आप इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जहां पे आपको यहाँ पे भारत गैस एजेंसी का लोगो दिखाई दे रहा है नीचे में, और वही जैसे दोस्तों इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको जिसके नाम से आपने कनेक्शन लिया हुआ उसका नाम आपको ऊपर में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नीचे में आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसका नाम यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन वगैरह यहाँ पे शो होता है जो कि इस एप्लीकेशन में कौन कौन सा चीज कैसे होता है वो सब आपको आता है, तो आपको गॉट इट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाया सब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है डैशबोर्ड, और ऊपर में दोस्तों आप देख सकते हैं बुक नाउ वाला ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है आपको, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है, और अभी जो सिलेंडर का है 14.2 kg का जो लिखा हुआ सिलेंडर का प्राइस कितना है, और जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों सबसे स्पेशल जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ कैश ऑन डिलीवरी का भी है। दोस्तों जैसे आप बुक कर लेते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे कर देते हैं तो आप अपने एजेंसी पर भी जाके ले सकते हैं, या कोई भैया आपके यहाँ देने आते हैं तो उनको आप कैश दे दीजिएगा तो आपका यहाँ से बुकिंग हो गया तो आपको सिलेंडर दे देंगे, और जो भी आपका सब्सिडी आपको अकाउंट में मतलब क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों तो जैसे मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो इस तरह से ऑप्शन आपका आ जाएगा, जो भी जीएसटी में कुछ पैसा कटता हो यहाँ पे आपका कट जाएगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका गैस बुक हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना गैस जो एचपी का है उसे आप बुक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जब भारत गैस में आपको गैस सिलेंडर कैसे बुक करना है आपको पता लग गया होगा। पता लग गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए थे तो हमारे चैनल पर आपको रेगुलर इस तरह के नए नए वीडियो रोजाना देखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बारी बारी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।